आज का पूरा ब्लॉग लाए दोस्तों, देख सकते हो दिन भर का फुल ब्लॉग आपके लिए लाए स्पेशल राज बोरा खजाना में। स्टार्ट करते हैं, चलिए हमारा रेसिपी। देखिए दोस्तों, हमारी दाल रेडी हो चुकी है, आप भी इंजॉय कर सकते हैं राज बोरा खजाना में। ये देख सकते हो बहुत ही शानदार तरीके से हमने दाल को रेडी कर दिया। फिर से हम नया रेसिपी, नया ब्लॉग आज से स्टार्ट कर रहे हैं। देख सकते हो आज का नया ब्लॉग आपको दिखा देते हैं। ये देख सकते हो सुबह की मॉर्निंग क्लॉक हो चुकी है और बोरा जी भी आ चुके हैं। देख सकते हो ग्राहकों की भीड़ लगनी चालू हो गया और रेसिपी स्टार्ट करते हैं हम। पूरा ब्लॉग देख सकते हो राजबोरा खजाना, ये देख सकते हो अपना राजबोरा खजाना हम आ चुके हैं। पूरा स्टेप, पूरा रेसिपी देख सकते हो। पूरे पतीले और आग जला चुके हैं हम, देख सकते हो। चूल्हे में सबसे पहले पानी रख दिया दोस्तों, उसके बाद हमारा दाल और चावल, फिर मोमोज, चाउमीन, पूरा स्टेप चटनी का रेडी होगा। आपको दिखाएंगे पूरा दिन भर का ब्लॉग किस तरह हमने स्टार्ट किया और रेसिपी तैयार की। तो आप देख सकते हो, ये देखिए सबसे पहले दाल का सीटी लगा देते हैं। तो सबसे पहले हमने दाल चढ़ा दी, दाल को अच्छे से वाश करके चढ़ा दिए। उसके बाद चावल और जो भी हमारा चाउमीन है, राइस का है, उसको तैयार करेंगे और आपको ले चलेंगे। और ये देखिए हमारा दूसरी तरफ चावल का स्टफ तैयार हो चुका है दोस्तों, देख सकते हो स्टेप बाय स्टेप। चावल, दाल, मोमोज और चाउमीन, पूरा स्टेप, पूरा रेसिपी और ग्रीन चटनी और रेड वाली चटनी बनाएंगे। तो आप भी इंजॉय कर सकते हो राजबोरा खजाना में दोस्तों, देख सकते हो बेहतरीन स्वाद के साथ। ये देखिए अब चटनी में तड़का लगा लेते हैं सबसे पहले, और आप भी इसी तरह स्टफ तैयार कर सकते हो दोस्तों, देख सकते हो बहुत ही शानदार और जानदार टेस्ट के साथ राजबोरा आपके लिए हमेशा की तरह बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी लाएंगे। देख सकते हो, ये देख सकते हो चावल भी हमारा तैयार हो रहा है दोस्तों, आप भी इंजॉय कर सकते हो और ऑर्डर बुकिंग करा सकते हो दोस्तों। ये देखिए अब चावल हमारा रेडी हो गया, अब चटनी बनाई जाएगी, देख सकते हो लाल वाली चटनी, मोमोज वाली। और ये देखिए हमारी सोयाबीन भिगा दी है, और उसके बाद हम प्याज काट लेंगे दोस्तों, ऑनियन काट लेंगे, उसके बाद सोयाबीन को छोड़ देंगे। सोयाबीन और मिक्स वेज जो हम मोमोज बनाएंगे आपके लिए स्पेशल, ये देख सकते हो बहुत ही शानदार और जानदार टेस्ट के साथ। ये देखिए चटनी हमारी, बैटर तैयार हो चुका है, इसको पीस के हम चटनी बना लेंगे और फ्राई करके रख देंगे दोस्तों। और तब तक हम दाल में और मोमो का मसाला सेट कर लेते हैं दोस्तों, देख सकते हो मोमो का मसाला बिल्कुल तैयार कर लेते हैं। और आप भी इसी तरीके से रेसिपी ब्लॉग बना सकते हो दोस्तों, देख सकते हो बहुत ही शानदार नज़ारे के साथ हम आपके लिए लाए हैं जो आज का टुडे स्पेशल है। तो पूरी रेसिपियां हमारी तैयार होंगी, देख सकते हो बहुत ही शानदार और जानदार टेस्ट के साथ। ये देख सकते हो मोमोज का मसाला हमने तैयार कर लिया, और इसमें मसाले और प्याज इसमें डाला जाएगा और इसको अच्छे से मिक्सेबल करा जाएगा। और देख सकते हो इसको पका के साइड कर देंगे, उसके बाद दाल में तड़का लगाएंगे और आपको दिखाएंगे स्टेप बाय स्टेप पूरी रेसिपियाँ तैयार होंगी राजबोरा खजाना में दोस्तों। ये देख सकते हो चूल्हे में हमारा मसाला बन रहा, आप भी इस तरीके से इंजॉय कर सकते हो। और रेसिपी को शेयर, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा, और बेल आइकन दबाएं ताकि जो हमारा अगला ब्लॉग है आप तक पहुँच सके दोस्तों। देख सकते हो पूरा इंजॉय के साथ हमारी रेसिपी तैयार हो रही है, और आप भी इस तरीके से तैयार कर सकते हो। अब दाल में तड़का लगाएंगे, ये देखें सबसे पहले धनिया और उसके बाद गार्लिक डालेंगे, उसके बाद हरी मिर्ची और टमाटर का जायका लगाएंगे दोस्तों, देख लीजिए। और उसके बाद दाल पलटी मारेंगे और आपको दाल येलो तड़का हमारी रेडी हो जाएगी। ये देख सकते हो स्टेप बाय स्टेप आप भी इसी तरीके से बना सकते हो और इन्जॉय कर सकते हो, पार्टिसिपेट कर सकते हो दोस्तों। देख सकते हो ये देखिए दाल में हमने बॉयल की थी तो अब उसमें तड़का लगा दिया, आप भी इस तरीके से शानदार बॉम्बे स्टाइल तड़का आप भी बना सकते हो और लगा सकते हो और रेसिपी इंजॉय कर सकते हो दोस्तों। दाल चावल देख सकते हो, चावल हमारा एकदम ऑथेंटिक रेडी हो चुका है, और साथ में अब हम चटनी का स्टेप तैयार कर लेते हैं। ये देख सकते हो हमारी लाल वाली चटनी, पहले तो इसको पीस लेते हैं अच्छी तरह, फिर उसके बाद ग्रीन वाली चटनी, दोनों चटनियाँ हम तैयार करेंगे और साथ में मोमोस और चाउमीन के साथ आपको इंजॉय कराएंगे दोस्तों। देख सकते हो शानदार और जानदार टेस्टी के साथ हम आपके लिए लाए हैं ग्रीन और लाल वाली चटनी, देख सकते हो हमारी रेडी हो चुकी है स्टफ, और आप भी इंजॉय कर सकते हो और ज़रूर शेयर ज़रूर करिएगा दोस्तों रेसिपी को देखते हैं। और ये देखिए अब चाउमीन बॉयल हो रही है, और आपको दिखा देते हैं राजबोरा खजाना, ये हमारे ऑथेंटिक रेसिपी है। अब इसमें चाउमीन डालेंगे अच्छे से,
बॉईल कर लेंगे, कुक कर लेंगे, उसके बाद छान लेंगे दोस्तों। देख सकते हैं ठंडे पानी से छानेंगे और फिर तैयार करके हम इसको डीप कर देंगे ताकि चाउमीन अच्छे से खिले खिले बॉईल हो जाए, नहीं तो ये चिपक जाएगी। देख सकते हैं हल्का सा तेल भी डालेंगे और अब आपको दिखाएंगे चाउमीन का, हमारी रेडी हो चुकी है। देख सकते हो छान के ठंडे पानी से, और ये मोमोज भी हमने तैयार कर दिए और फुल इंजॉय कर सकते हो राजबोरा खजाने में। और आप आ सकते हो हमारे रेस्टोरेंट में नियर पुनेठा पेट्रोल पंप चंपावत में, जो हमारा रेस्टोरेंट है। ये देख सकते हो पूरा स्टूडियो हमने तैयार कर रखा, चावल दाल मोमोस और चाउमीन का। दोस्तों इसी के साथ रेसिपी शेयर ज़रूर करेगा। धन्यवाद सभी साथियों।